कहाँ जाना है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं छोड़ा सिवाय मरने के। इस मैनेजर को फिनिश करना अति आवश्यक हो गया है। एक पत्नी अपने पति को माफ कर सकती है, लेकिन एक बेटा अपने पिता को माफ नहीं कर सकता, उस पिता को जिसने पिता होने का कोई फर्ज नहीं निभाया। ये पैसे आप मेरी मॉम के कातिल को देने जा रहे हैं? पैसों की भूख थी ना तुझे, अब ये ले पैसे। आज मेरा शक यकीन में बदल गया है कि आपने ही मेरी माँ का खून किया है मिस्टर श्रीकांत चौहान। मैंने उनको अपनी आंखों से जिंदा देखा है। Because I love you, Samir. I love you. जिस औरत को तुम ढूंढने आए हो वो अब इस घर में नहीं है। औरत होगी आपके लिए, मेरे लिए वो माँ है, और अपनी माँ को मैं अपने साथ ले जाने आया हूँ। मेरी माँ ये घर छोड़कर नहीं जाएगी। जरूर आप ही की कोई चाल है, या फिर अपनी पहली पत्नी की तरह इस रिश्ते को भी आपने अपने आप से अलग कर दिया है। मैं उसे घर से बाहर निकालूंगा, मैं अलग करूंगा उसे। आप तो कुछ भी कर सकते हैं। अरे अपने स्वार्थ के लिए आप किसी का मर्डर तक कर सकते हैं। इनाफ, इनाफ। मैंने सिर्फ तुमसे नहीं, तुम्हारी हर चीज से दोस्ती की है समय। Because I love you, समय। I love you. पास वो आने लगी जरा जरा, दिल में समाने लगी जरा जरा। क्या तानिया मुझसे प्यार करती है? अरे करना ही होगा, तानिया को मुझसे प्यार करना ही होगा। ओह, She loves me? She loves me not? 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 She loves me and she loves me not? She loves me? She loves me not? She loves me? She loves me not? She loves me? She loves me not? लास्ट फूल, यही तो प्रॉब्लम है। She loves me. 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 सॉरी यार, थोड़ी देर हो गई मुझे आने में। आकार, तुम्हें याद है हमारी दोस्ती की शुरुआत यहीं इसी रेस्टोरेंट से हुई थी? याद है? यहीं इसी रेस्टोरेंट में कहीं बैठकर एक दूसरे से अपने सुख अपने दुख शेयर किया करते थे। याद है तुम्हें, जब मुझे कोई तकलीफ होती थी तो किस तरह तड़प उठते थे तुम, और जब तुम्हें तकलीफ होती थी तो मेरी आंखें भर आती थी। आज पूछोगे नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ है आकार, किस तकलीफ से गुजर रहा हूं मैं। आकार तुम्हें याद होगा कि हम लोग यहीं बैठकर क्या क्या किन किन लोगों की बातें क्या करते थे। आज देखो, तकदीर ने ऐसी करवट ली कि
हम दोस्त ही नहीं रहे, बल्कि दोस्ती रिश्तों की हदों से बढ़कर भाई भाई में बदल गई। नहीं, हम भाई नहीं हैं। भाई नहीं तो फिर क्या है? दुश्मन, सिर्फ दुश्मन। भाई नहीं तो फिर क्या है? दुश्मन, सिर्फ दुश्मन। हमारे बीच में अब कोई रिश्ता नहीं, और अगर कोई रिश्ता है तो वो सिर्फ दुश्मनी का। मेरे दोस्त, मेरे भाई हो तुम। और सच कहूं तो आजकल की इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो रिश्तेदारी निभाते हैं। भाई ना सही, दोस्ती का रिश्ता तो निभाओ। Listen to me, समय। आकार ने आज तक हर रिश्ता पूरी तरह निभाया, अभी तक तो मैंने दोस्ती निभाई, लेकिन अब मैं अपने पूरे दिल से दुश्मनी निभाऊंगा। जानते हो आकार, जब तुम मुझे पहली बार मिले थे ना, तो सच कहूं मुझे अपने नसीब पर नाज हुआ था। नसीब? किस नसीब की बात कर रहे हो? अरे तुम्हारा तो कोई नसीब है ही नहीं, तुम्हारी तो पूरी जिंदगी उधार की है। समय, ये जो महंगा सूट पहने बैठे हो ना, तो ये मेरे नसीब का है। जिस आलीशान गाड़ी में गुरूर से बैठते हो वो तुमने मेरे नसीब से चुराई। जिस बंगले में बहुत ऐशो आराम से रह रहे हो, अरे वो भी मेरे नसीब का है। क्या था तुम्हारे पास? कुछ नहीं है। अरे एक भिखारी हो तुम, एक ऐसा भिखारी जिसके पास अपनी गर्लफ्रेंड तक नहीं है। तानिया से मैं मोहब्बत करता था, लेकिन तानिया मैंने दे दी, अपनी मोहब्बत तुम्हें दे दी भीख में। ये सोचकर के ठीक है, किसी गरीब इंसान का भला हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन अब समय, अब मैं अपनी सारी चीजें वापस छीन लूंगा, यहां तक कि अपनी मोहब्बत भी। नहीं आकार, शायद तुम्हें ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सब तो मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। और रही बात मोहब्बत की, आकार एक क्या 100 मोहब्बतें तुम पर यूं ही लुटा दूंगा मैं। और मोहब्बत ही क्या मेरे भाई, तुम्हारे एक इशारे पर तुम्हारा भाई अपनी जान तक दे सकता है। हट! जीवन कौन बताए, जैसा जिसकी समझ में आए। ज्ञानी बैठा पुस्तक बाचे, अज्ञानी ही अर्थ बताए। नीले गगन पर दोष नहीं धर, ये तो एक बहाना है। हर जन के चौराहे पर दिल से पूछ कहाँ जाना है।
रिश्ता नहीं, और अगर कोई रिश्ता है तो वो सिर्फ दुश्मनी का। किस नसीब की बात कर रहे हो? अरे तुम्हारा तो कोई नसीब है ही नहीं। जिस आलीशान गाड़ी में गुरूर से बैठते हो वो तुमने मेरे नसीब से चुराई। जिस बंगले में बहुत ऐशो आराम से रह रहे हो, अरे वो भी मेरे नसीब का है। अरे एक भिखारी हो तुम, एक ऐसा भिखारी जिसके पास अपनी गर्लफ्रेंड तक नहीं है। अरे एक भिखारी हो तुम, हमारे बीच में अब कोई रिश्ता नहीं है, और अगर कोई रिश्ता है वो सिर्फ दुश्मनी का। एक ऐसा भिखारी जिसके पास अपनी गर्लफ्रेंड तक नहीं, गर्लफ्रेंड तक। अरे एक भिखारी है तुम, भिखारी। तानिया, समय आओ ना, बैठो। अच्छा समय, पहले ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि मामा घर पर नहीं है? आंटी घर पर नहीं है क्या? बस बस, अब ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। मैं सब समझती हूँ, तुम्हारे जैसे मोहब्बत में दीवाने लड़के को बस एक मौका मिलना चाहिए। जैसे ही पता चला कि लड़की घर पर अकेली है, आदमी मुझे सीरियसली मालूम नहीं था कि आंटी घर पर नहीं। वैसे वो गई कहाँ? मामा काम के सिलसिले में टूर पर गई हैं कुछ दिनों के लिए। आराम से बैठो समय, घर पर कोई नहीं है। इनफैक्ट मैं यहाँ तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करने आया था। रिलैक्स समय, तुम्हारी बात सुनने के लिए पूरी रात पड़ी है। सबसे पहले मेरी बात, ब्रेकिंग न्यूज, तानिया राठौर ने डिसाइड किया है कि वो MBBS करेंगी। MBBS? बट जहाँ तक मैं जानता था तुम्हारे सब्जेक्ट्स कुछ और थे ना? हाँ थे, लेकिन अब मैंने MBBS करने का फैसला किया है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि तुमने डॉक्टर बनने के बाद अपना नर्सिंग होम खोला है, तो तुम्हें उसमें और भी डॉक्टर्स की जरूरत तो पड़ेगी ना। तो हम डॉक्टर्स बाहर से क्यों बुलाएंगे? हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर संभालेंगे ना अपना नर्सिंग होम। हस्बैंड वाइफ? क्यों, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे क्या? नहीं, वो मेरा मतलब ये नहीं है, लेकिन तो फिर कैसी बात है समय? तानिया, इनफैक्ट इस वक्त मैं यहाँ तुमसे आकार के बारे में बात करने आया हूँ। नाम मत लो उसका, बहुत ही घटिया और छिछोरा लड़का है वो। नहीं, किसी के बारे में इतनी जल्दी इस तरह का फैसला लेना ठीक नहीं। मैं जानता हूँ उसे, और ये मानता भी हूँ कि वो हंसता खेलता है, हर बात को मजाक की तरह लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो संजीदा नहीं है। सच तो ये है कि इन सब के पीछे बहुत दर्द छुपा है। दर्द? What do you mean? तुम कहना क्या चाहते हो समय? आकार, वो आकार
जो अपने आप में मस्त, बिना किसी भी बात की परवाह किए हमेशा हमेशा यूं ही हंसता मुस्कुराता रहता है। लेकिन ऐसा है नहीं। तानिया, दरअसल इन सब के पीछे, इन सारी बातों के पीछे बहुत गहरा गम छुपा है। तुम शायद नहीं जानती हो, बहुत अन्याय हुआ है उसके साथ। बस यूं समझ लो कि किसी और के हिस्से के सारे गम आकार के पास चले गए और किसी और के हिस्से की सारी खुशियां मेरे पास आ गई। तानिया, मैं उसे इंसाफ दिलाना चाहता हूं और इसके लिए मुझे चाहे जो कुछ भी करना पड़े, एनीथिंग करूंगा। तुम क्या करोगे समय? तानिया, शायद तुम नहीं जानती कि आकार तुमसे बहुत प्यार करता है। What? हाँ तानिया, आकार तुम्हें दिलो जान से चाहता है। तुम्हारे बिना जी नहीं पाएगा वो, और मैं अपने इन हाथों से आकार के प्यार और उसकी मोहब्बत का गला नहीं घोट सकता। बस समय, बस। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में तुमसे ऐसी बात करने की? क्यों चिल्ला रही? क्या क्या कहा तुमने समय से? क्या क्या कहा मैंने समय से? तुम अपने आप को समझते क्या हो? किराए के मामूली मकान में रहने वाले अपनी औकात भूल गए? दो जोड़ी सस्ते कपड़ों में गुजारा करने वाले दूसरों की बराबरी करने चले हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की, मुझे मेरे समय से जुदा करने की? चुप क्यों हो? बोलो, मैं भी तो सुनूं। क्या कहना चाहते हो तुम मेरे बारे में? जवाब दो, क्यों बदनाम करना चाहते हो तुम मुझे? समय से जाकर माफी मांगो। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो, अगर फिर से तुमने मेरे बारे में उल्टी सीधी बात किसी से भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंडरस्टूड? तानिया, क्या बकवास किए जा रही है? बकवास? मैंने जो कहा वो तुम्हें बकवास लग रहा है? तानिया, समय की चाल को समझने की कोशिश करो। वो हम दोनों के बीच में दरार डालना चाहता है, हमारी दोस्ती को तोड़ना चाहता है। दोस्ती? कैसी दोस्ती आकार? समय की जगह लेने की कोशिश भी मत करना। बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है वो। इतना गिर गया कि मेरे खिलाफ भड़काकर उसने तुम्हें यहाँ भेजा है। समय ने मुझे यहाँ नहीं भेजा है, मैं खुद आई हूँ। तुम अपने आप को समझते क्या हो आकार? तुम जानते हो कि मैं समय से प्यार करती हूँ, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई समय से ये कहने की कि तुम मुझे प्यार करते हो? हाउ डेयर यू आकार? तानिया, मैंने समय से कहा कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। अरे मैं तो सारे जमाने से चीख सीख के कह सकता हूँ कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। But I hate you.
नफरत करती हूँ मैं तुमसे। नफरत? क्यों तान्या, मुझसे नफरत क्यों करती हो? क्योंकि मैं गरीब हूँ, इसीलिए ना। पैसे नहीं है मेरे पास, अपना मकान नहीं है, गाड़ी नहीं है, मेरे कपड़े बुरे हैं ना। और वो समय, उससे तो प्यार करती हो। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे हैं। जस्ट बिकॉज ही हैज मनी। कुछ नहीं है उसके पास, कुछ नहीं, और जो कुछ भी है वो मुझसे मिला है, भीख में। अरे भिखारी है, जस्ट अ फ्यू डेज। तानिया, 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 कुछ दिन, सिर्फ कुछ दिन की बात है, तुम्हारे सामने सब कुछ साफ साफ आ जाएगा। तुम देखना, कुछ वक्त बाद तुम्हें अपने समय के पाँव में एक साबुत चप्पल तक नहीं दिखाई देगी। जानती हूँ क्यों? क्योंकि मिस्टर श्रीकांत का असली बेटा मैं हूँ। मैं? अरे उसे तो सड़क के किनारे से कहीं उठा के लाए थे। वो जिस दौलत पे ऐश कर रहा है ना तानिया, वो मेरी है। It's all mine. सब कुछ मेरा है। तुम लंदन के प्रिंस भी बन जाओ ना, तो भी मेरा प्यार हासिल नहीं कर सकते। और समय, समय अगर फुटपाथ पर भी आ जाए तो भी मेरी नजरों में महान रहेगा। अरे तुम मेरे प्यार के तो क्या, मेरे नफरत के काबिल भी नहीं हो आकार। आजमाना चाहती हो? हाँ, देखना चाहती हो ना? सबूत चाहिए तुम्हें प्यार का? रुको, मैं भी आता हूँ। तानिया, देखो, ये देखो। जा